खोराबार थाना क्षेत्र में व्यापारी से लूट करने वाले चार अभियुक्तों को खोराबार कैंट व एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान विजय महतो पुत्र स्वर्गीय भगेलू महतो निवासी पकड़ी थाना जुमरिया घाट जनपद पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार, दूसरा मिथिलेश कुमार पुत्र रविंद्र पासवान निवासी पकड़ी थाना जुमरिया घाट जनपद पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार, तीसरा सोनू कुमार साहनी पुत्र स्वर्गीय प्रयाग साहनी निवासी पकड़ी थाना जुमरिया घाट जनपद पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार, चौथा शत्रुधन साहनी पुत्र राम अयोध्या साहनी निवासी रघुनाथपुर थाना तुरकोलिया पूर्वी चंपारण के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट का 4,08,000 रुपए घटना में प्रयुक्त दो चार पहिया वाहन को बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम कुल 6 लोग इस गैंग में सम्मिलित हैं। हम लोगों के पास 2 वैगनार कार है, इसी वाहन से हम लोग बिहार पूर्वी चंपारण से आते हैं और रेलवे स्टेशन गोरखपुर और रोडवेज गोरखपुर के पास सुबह में सवारी के लिए 2 व्यक्ति दोनों वाहन में बैठे रहते हैं। एक व्यक्ति बाहर टहलकर सवारी की तलाश करता है, उसे कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेला हो बाहर से आया हो और लगता है कि उसके पास से पैसा आसानी से मिल जाएगा, वह सवारी जो कुशीनगर पडरौना गोपालगंज तक जाएगा उसको हम लोग बैठा लेते हैं और बीच रास्ते में उसके पैसों को बरगलाते हुए कि आगे पुलिस चेक करेगी आपके पास जो पैसे हैं उसे एक लिफाफे में रखने के लिए देते हैं और उसको बीच रास्ते में उतार देते हैं तथा पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। जिस गाड़ी में हम लोग बैठाते हैं उसके पीछे दूसरी वैगनार गाड़ी कवर करने के लिए चलती है ताकि कभी फंसने पर पीछे वाली गाड़ी से भाग सके। इस तरह का कार्य हम लोग बिहार में पटना जंक्शन, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन गोरखपुर से हम लोग करते हैं। 26 अक्टूबर को हम लोगों द्वारा एक व्यक्ति को रेलवे स्टेशन के बाहर से जो हाटा कुशीनगर जाने वाला था उसको गाड़ी में बैठाए, जिसमें 4 व्यक्ति थे, शत्रुघ्न साहनी, सोनू कुमार व दीपक व सोनू साहनी में सवार थे तथा दूसरे वाहन में विजय महतो व मिथिलेश कुमार सवार थे। हम लोगों ने उस व्यक्ति के पास रखे कुल 8,000 रुपए लेकर उसको एयरफोर्स के पास रास्ते में उतार दिए और आगे हाईवे होते हुए चले गए। 28 अक्टूबर को हम लोग रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड के पास सवारी की तलाश किए, लेकिन उस दिन कोई भी सवारी नहीं मिला तो हम लोग वापस जा रहे थे और रास्ते में भी सवारी खोज रहे थे, तभी एम्स तिराहे के पास एक व्यक्ति जो बूढ़ा था एवं पिट्ठू बैग लिया था वह आने जाने वाले वाहनों को हाथ दे रहा था, तो हम लोगों ने उससे पूछा तो वह हाटा कुशीनगर जाने के लिए बताया। हम लोग उसको गाड़ी में बैठा लिए, फिर उसको बैठाने के बाद उसका मोबाइल मांगे और मोबाइल से सिम निकाल दिए तो उसने विरोध किया। इस गाड़ी को विजय महतो चला रहा था, मिथिलेश और सोनू साहनी बैठे हुए थे। उक्त व्यक्ति का बैग जब चेक किया गया तो उसने विरोध और चिल्लाने का प्रयास किया, तब सोनू साहनी द्वारा एक हाथ उसके मुंह पर मारा गया और दबोच लिया गया। बैग में काफ़ी पैसे थे, हम लोगों की लालच बढ़ गई, हम लोगों ने सभी पैसे जो पॉलिथीन में था निकाल लिए और उस व्यक्ति को डरा धमकाकर बैग के साथ हाईवे जगदीशपुर के पास उतार दिए और हम लोग आगे जाकर गाड़ी मोड़कर दोबारा देवरिया की तरफ चले गए। पीछे वाली गाड़ी से कवर करते हुए शत्रुघ्न साहनी, सोनू कुमार उर्फ सानू और दीपक चल रहे थे। हम लोग देवरिया में रुकने के बाद दोबारा घटना करने के लिए लालचवश आज रेलवे बस स्टैंड पर आए थे, तभी आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। सवारी की तलाश में दीपक कुमार जो गोरखपुर का रहने वाला है तथा सोनू साहनी पुत्र भिखारी साहनी भाग गए। 6,56,000 वाली लूट का और पैसा इन्हीं लोगों के पास है। उन्होंने बताया कि चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को डीआईजी द्वारा 50,000 का इनाम दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, खोराबार थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, एसओजी टीम प्रभारी मनीष यादव, महिला उपनिरीक्षक सुनीता सिंह, उपनिरीक्षक आशुतोष राय, अवनीश कुमार पांडे, रामानुज सिंह यादव, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, अरुण खरवार, इंद्रेश कुमार वर्मा, कांस्टेबल करुणापति तिवारी, दुर्गेश मिश्रा, रवि चौधरी, जयप्रकाश यादव, टीपू सुल्तान, इनहुल हक अंसारी, लाल बहादुर यादव, पीयूष कुमार, मनीष राजभर, राहुल कुमार दुबे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्यापारी रमाकांत जायसवाल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, Thank you.
सामने देखो ना रमाकांत जायसवाल आटा पुलिस के द्वारा तो घटना का खुलासा कर दिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, धन्यवाद आपको। गोरखपुर पुलिस के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जनपद गोरखपुर में 28 तारीख को मॉर्निंग में थाना खोराबार में एक घटना रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 70 वर्षीय रमाकांत जायसवाल, जो कि बिहार से 6.5 लाख के आसपास का कैश ट्रेन से लेकर के आए थे, कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद कुछ लोगों ने उनको गाड़ी में बिठाया, आगे ले जाकर के उनके साथ मारपीट की और उनका ये कैश लूट लिया। घटना की जानकारी होने के उपरांत तत्काल वादी से जानकारी प्राप्त अधिकारियों द्वारा की गई, घटनास्थल का निरीक्षण सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा किया गया। घटना के बारे में जानकारियां प्राप्त करने के लिए उनसे तहरीर प्राप्त की गई, मुकदमा पंजीकृत किया गया। सीसीटीवी के माध्यम से वादी द्वारा बताए गए अभियुक्तों के हुलिए और गाड़ी की जानकारी के आधार पर सीसीटीवी खंगाले गए, जिसके आधार पर गाड़ियां फिल्टर की गई। इसी के साथ साथ ITMS का भी इसमें सहारा लिया गया, जिसमें गाड़ी को आइडेंटिफाई करने में बहुत सहायता मिली। इसी प्रकार की एक घटना 26 तारीख को थाना कैंट क्षेत्र में हुई थी, जिसमें अरविंद कुमार नामक व्यक्ति, जो कि कुशीनगर के रहने वाले हैं, उनके साथ भी 8,000 रुपये की लूट हुई थी। दोनों घटनाओं के घटनाक्रम को जब स्टडी किया गया तो ये सामने आया कि संभवतः ये किसी एक ही गैंग का काम है। इन्हीं सारी जानकारियों के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड टीम थाना कैंट, थाना खोराबार, सर्विलांस SOG और जो हमारी CCTV देखने वाली जो टीम है, उनके द्वारा SP सिटी साहब और CO कैंट साहब के निर्देशन में इसको लगाया गया। इस टीम को सफलता मिली है, ये पूरा गैंग वर्कआउट हो गया है। इस पूरे गैंग के 4 मेंबर्स अरेस्ट हुए हैं, इन दोनों घटनाओं में जो सम्मिलित थे, जिनके कि नाम विजय महतो, मिथिलेश, सोनू कुमार और शत्रुघ्न साहनी हैं, जो कि पहले 3 जनपद मोतिहारी बिहार और पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से दोनों घटनाओं से संबंधित दूसरी घटना में 4 लाख रुपए और पहली घटना में 8,000 रुपए बरामद हुए हैं। इसके साथ जो 2 गाड़ियां इन घटनाओं में प्रयुक्त हुई थी वो भी बरामद हुई हैं। इनके कुछ साथी अभी भी फरार हैं, जिनके लिए लगातार पुलिस की दबिश चल रही है और बाकी जो लूट का जो अमाउंट है जो उनके पास है, उसकी बरामदगी के भी प्रयास चल रहे हैं। इन 4 को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। आगे चल के इन सभी अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सफल अनावरण करने के लिए प्रोत्साहन हेतु जिला पुलिस और DIG महोदय द्वारा कुल 50,000 रुपये की जो रिवॉर्ड है वो घोषित किया गया है और इस घटना का सफल अनावरण बड़े ही अल्प अवधि में किया गया। इनमें से 3 आरोपी जिला मोतिहारी बिहार के हैं और चौथा शत्रुघ्न साहनी जो है वो पूर्वी चंपारण का है। इनका आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है, जितने भी मुकदमे इनके ऊपर होंगे उसके आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी इनके ऊपर की जाएगी।